ऐसे 60 लाख लोग हैं नौजवान। अगर 60 लाख बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ ले मां बाप को, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए अगर यही नौजवान और इनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है अब तो साफ हो गया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, न भर्ती का जवाब है न वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई है नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है, क्या बिना कर्ज के साथ है क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसको वसूली मानते हैं हम, डरा करके वसूली मानते हैं, वसूली। क्या सोचिए आप बीजेपी वाले क्या इसका जवाब देंगे, किस मुंह से जवाब देंगे बीजेपी के लोग? ये जो दूसरे लोगों पर ईडी सीबीआई से अपमानित करते थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों से भेजने का काम करते थे, आज जो बात खुल गई ना, पोल खुल गई, क्या पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं कि पोल खुल गई, ऐसी पोल तो कभी नहीं खुली थी कि सूची आ गई है किससे कितनी वसूली हुई। सोचो जिसने 1,000,000,000 रुपए दिए उसकी ऑफिस में दरवाजे तक नहीं, उनके पते ही नहीं है बताओ, और पैसा आ गया। भाई हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन या हमारा एक्ट कहता है, नियम कहते हैं कि चंदा ले सकते हैं, लेकिन वसूली के थोड़े लिए कानून बना है। सर इस पूरे मामले आप वसूली करवा रहे हैं, सोचिए आप। सर इस पूरे मामले क्या ईडी सीबीआई जांच हो सकती है क्या? आप मांग करेंगे क्या इस पूरे चंदे की जो आप जिसको वसूली बता रहे हैं? अब जो कुछ करेगी जनता करेगी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बड़ी हमारी जनता है,